नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंदास अभिजीत और आज आपके सामने लेकर आया हूं भारत वंश की जानकारी इसके सिस्टम के बारे में। आप देख सकते हैं पूरी 16 चक्कर गाड़ी है भारत वंश की। चलते हैं इसमें, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सिस्टम दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं सीट जो फुल लग्जरी है, ऑटो फुल सीट है, ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है। यह दिया गया अप डाउन का बटन, ठीक है। इधर करेंगे राइट साइड में मोड़ेंगे और डाउन हो जाएगा, फिर अप हो जाएगा इधर करेंगे। और ये है टोटल बटन जिसमें आपको स्विफ्ट, अब बैठेंगे तो सीट अप डाउन ऑटोमेटिक एडजस्टेबल होगा और इसको अगर ऊपर कर देंगे तो हार्ड वेल हो जाएगा वो, यानी हार्ड आपको एक ही पोजिशन में रहेगा। तो पहले जानते हैं इसका GPS के बारे में। कैमरा और स्पीकर साथ में दिया गया है जिसके आप जरिए घर में बैठ के मालिक अपने आप मोबाइल में देख सकता है। और ऊपर दिया गया स्पेस, आप कुछ भी सामान रख सकते हो यहाँ। और साइड में दिया गया स्पीकर जो दोनों साइड में है एकदम। ये हो गई कैमरा, ये हो गई स्पीकर साउंड, तो घर बैठ के मालिक आपको देख भी सकता है, सुन भी सकता है। नेक्स्ट चले जाते हैं अपन सेंसर पे। ये है सेंसर, ये जो छोटी वाली जो कांच टाइप का दिख रहा है आपको, स्क्रीन टाइप का, ये है आई प्रिंट जो सीधा आपके आँखों पे पड़ती है। और साइड में दिया गया ये है आपका छोटा सा डिस्प्ले जो आपको बॉडी सेंसर, आपको बॉडी सेंस करता है और ऊपर वाला आई सेंस करता है, जिसके जरिए आप सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जैसे झपकी आ गई तो सीधा ये सायरन के तौर पे चालू हो जाता है। जैसे देखिए आप रात को चलते चलते गाड़ी चलाते हैं, झपकी आ गई, नींद आ गई, आपके पलक झपक गया या नज़र इधर हो गई, तो ये वहाँ सायरन सीधे स्पीकर में टाटा टाटा बजने लगता है। ये फीचर सबसे बढ़िया और ज़ोरदार दिया गया है भारत वंश में। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी गाड़ी में चलते टाइम, ये सेंसर आपको बॉडी सेंस करेगा, आप सोते लुढ़क लड़खड़ा गई आपकी आँख या बॉडी तो सीधा डायरेक्ट काम करेगा। अब आते हैं गियर पे, सी गियर, एडवांस गियर जो है आपका, किसी भी कहीं भी तरह की घाट हो सी गियर लगा के बैठ रही है, ऑटोमेटिक गाड़ी चढ़ना ही चढ़ना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस रिवर्स है और टोटल यहाँ 8 गियर दिया हुआ है, टोटल 8 गियर और रिवर्स और सी मिला के आपको 10 गियर, ये हो गया गियर। अब चलते हैं आप AC पे, देख लीजिए ये दो ब्लोअर है और साइड में दोनों साइड में और एक एक ब्लोअर दिया गया है, इस साइड में भी है और उस साइड में भी, टोटल 4 ब्लोअर दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं अपन AC के सिस्टम में। AC दिया है ये ब्लू वाला जो है नीचे दिया गया और ठंडा करने के लिए, ऊपर हीटर है। और ये आपको फीचर्स है कि आपको जिस तरफ करना है ऊपर नीचे फ्रंट में वो चलेगी, ठीक है। प्लस ये है जो है अब नीचे येलो दिख रहा है, ये है अंदर की हवा के लिए और वाइट जो है ये बाहर की हवा के लिए, ठीक है। अब जिस तरफ करना चाहते हो आप कर सकते हो, अब यूज़ कर सकते हो। चले जाते हैं नेक्स्ट में, ये विंडो बटन है आपका, पावर विंडो, कांच यहाँ उतरेगी पावर विंडो से बटन से। ये है चार्जर जो 12 वोल्ट की है और नेक्स्ट इसमें दिया गया है 24 वोल्ट, आप 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों यूज़ कर सकते हो चार्जर, है ना। और यहाँ हैंड ब्रेक दिया है बड़ा ज़ोरदार जगह में, ये हैंड ब्रेक देखिए एकदम मस्त सिस्टम है, एकदम करीब है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दिया गया है आपका AC का बटन, ये है पार्किंग 4 इंडिकेटर का और ये है आपका वो इंजन कंट्रोलर का बटन, ठीक है। इंजन कंट्रोल कहीं घाट वाट चल रहे उतर रहे गाड़ी के, इंजन कंट्रोल चाहिए ब्रेक के साथ, देखिए इसको दबा दीजिए बराबर है आपका ट्रिप मीटर के लिए, ये टेंपरेचर ब्रेक के साथ साथ इंजन भी सपोर्ट, ये माइनस प्लस ब्रेक लगा दिया एडजस्ट करने के लिए सेट करने के लिए। ये दिया है डीजल फ्यूल और बीच में दिया है रेड ब्लू जो आपको चालू करके दिखा रहे हैं अभी दोस्तों, ब्लू आ गया, ये एड ब्लू का है, कितना परसेंट है अभी इसमें दिखाया 1% एक लिपिड है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे इसको कि कितना परसेंट है, एक पॉइंट में कितना लीटर कितना परसेंट रहता है, इसको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ से उसको अगर देखना है तो यहाँ से ये बटन अब दबाएंगे तो यहाँ आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसी बटन पे आप लोग डबल क्लिक करेंगे इसी बटन पर, यहाँ से आपको देखेगा ये 26% है 13 लीटर। अब इसको आप डीजल चेक करेंगे कितना है, तो इसके लिए हम ये वाला बटन पर जाना पड़ेगा साइड वाले पर, चले गए
100 लीटर डीजल है अभी 32%, यहीं से ट्रेन हो जाता है। आपको हॉर्स दिखेगी, हॉर्स कवर वगैरह, अलार्म, आप खुद आपको सो रहे हैं कहीं अलार्म डाल के ऑटोमेटिक अलार्म बजेगा, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टाइमिंग भी देगा, आप टाइमिंग एडजस्ट करने के लिए सेटिंग करने के लिए 4:04 हो रहा है, 4:04 हो रहा है। और ये ABS ब्रेक के लिए है, ये ACM ऑपरेशन ACM जो लगा रहता है गाड़ी में ऑटोमेटिक, अभी BS6 में जो आ रही है ACM ऑफ ऑन ACM ब्रेक। साइड वाला जो ये बटन है इसको एक बार दबा दीजिए, ऊपर क्लिक कर लीजिए, ब्रेक में जगह आएगा। ये आपका आएगा 0.2.7 ये किलोमीटर की आपकी बताएगी। और यहाँ जैसे ट्रिप करना है आपको तो यही ट्रिप ट्रिप बटन पर दबाएंगे, यहाँ 609 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और टोटल रीडिंग आपका ये है 12,751 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। यहाँ आपको सेल्सियस डिग्री बताएगा टेम्परेचर गाड़ी का, प्लस यहाँ से आपको टेम्परेचर इसमें देखेंगे यहाँ कितना 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। ये हो गई आपकी प्रेशर सिलेंडर रिपेयर के लिए जो एयर पंप है, एयर प्रेशर मीटर ये है इसमें दोनों सिंगल टंकी है, इस पर और एक तरह की लाइट दो दूसरी टंकी है, वो आपके प्रेशर के लिए दोनों एक ही मीटर में दिया गया है। इसमें आपको दिखा गया ये दिया है आपका RPM और ये दिया आपका मीटर, ठीक है। इसमें एक फीचर देखिए हॉर्न जो हम बजाते हैं, हॉर्न यहाँ भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है, क्योंकि आपको इसका दूसरा बटन सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेशर हॉर्न इसमें लगाइए और इसमें लगाइए, सिटी हॉर्न जो है यहाँ लगाइए यहाँ लगाइए, वो आपकी मर्जी आपकी पसंद है ना। प्लस इसमें और एक फीचर दिया है जो बहुत जोरदार है, ये दिया है क्रूज कंट्रोल लाइम। इसमें लाइम चालू करेंगे, अब चलते हालत में क्रूज कंट्रोल यहाँ दबाएंगे, यहाँ दिख जाएगा, जब हम गाड़ी चलाएंगे तभी वो शो होगा, तब चालू होगा तभी वो क्रूज कंट्रोल चलेगा। तो यहाँ पे दिख जाएगी क्रूज कंट्रोल और वहाँ पे आपको स्पीड दिख जाएगा, उस स्पीड में आप बांध के रखो, पैर एक्सीलेटर से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। आप पैर को थोड़ा रेस्ट दे लीजिए और तब तक आप सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ के बैठ लीजिए, क्योंकि इसमें अभी ऑटो पायलट नहीं आया है कि हम स्टीयरिंग छोड़ के भी गाड़ी चला रहे हैं ना। तो इसमें और एक फीचर दिया है दोस्तों, ये जो बटन है, आप इसको अगर कहीं मतलब चलिए कहीं घाट वाट में गाड़ी आपकी रुक गई है और वहाँ आपको पीछे गाड़ी लगी हुई है और पीछे बहुत गड्ढा है, आपको पीछे नहीं जाना है, तो इसको दबाने के बाद 3 सेकंड के लिए गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक ले लेगी। 3 सेकंड के अंदर आप एक्सेलेटर गियर लगा के एक्सेलेटर में मौसम बना के गाड़ी ऊपर चढ़ा सकते हैं, 3 सेकंड के लिए ब्रेक ले लेगी गाड़ी, ओके दोस्तों। प्लस इसमें और एक फीचर दिया है जो ये है आपका, इसको बोलते हैं एक्सल पावर, जैसे कि आप कीचड़ उचड़ में जाते हैं गाड़ी लेके तो गाड़ी स्लिप करती है, इधर उधर बहकने लगती है, इसको आप चालू कर देंगे तो नहीं बहकेगी गाड़ी, एकदम बराबर आप कंट्रोल में चलेगी, लिफ्टर टायर तो बिल्कुल नहीं बहकेगी, ठीक है। और ये जो बटन दिया है ये लिफ्टर का है, ये लिफ्टर का इसलिए करता है, ये ऑटोमेटिक लिफ्टर दिया है, आप इसको दबाएंगे तो भी काम नहीं आएगा, खड़े गाड़ी में दबाएंगे तो काम आएगा, ठीक है, चाबी ऑन करने के बाद खड़ी गाड़ी में दबाएंगे काम आएगा, लेकिन चलती गाड़ी में ये आपको ऑटोमेटिक लेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टर्निंग मुड़ रहा है जैसे गड्ढा वड्ढा रास्ता है, ऑटोमेटिक लिफ्टर चढ़ जाएगा, फिर प्लेन रोड में आएंगे ऑटोमेटिक उतर जाएगा, घाट में चढ़ रहे तो ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा, रिवर्स कर रहे तो ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा, आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करना है इसमें, वो ऑटोमेटिक अपना हिसाब से ले लेगा, आपको टायर की कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। प्लस इसमें और एक फीचर्स दिया गया है फ्रेंड्स, ये देखिए एक कैमरा, बैक कैमरा, ठीक है, जैसे कारों में दिया जाता है, तो मैं आपको रिवर्स करके दिखा रहा हूँ, ये आपका चालू हो गया रिवर्स कैमरा, आपको कंडक्टर नहीं है गाड़ी में ज़रूरत नहीं है, आप बैक करके सीधा लग गया रिवर्स गियर, अभी रिवर्स गियर मैं हटा दे रहा हूँ, हटा दिया बंद हो गया, आपको इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आपको फीचर्स मिल जाती है रिवर्स कैमरा के लिए, कंपनी पूरा प्रोवाइड के साथ एकदम दिया है आपको, आपको पूरा लग्जरी एकदम गाड़ी मिलेगी, एकदम फुल्ली लग्जरी, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन है मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले मैं थोड़ा गाड़ी बंद कर लेता हूँ, ये देखिए दूसरा फीचर्स ये दिया है आपका, ये पावर इकोनॉमी, ये आपका सी गियर जहाँ नहीं लग रहा है, जैसे गाड़ी को ओवरटेक करना है,
एकदम फटाफट, मौसम नहीं ले रही गाड़ी, घाट में मौसम छोड़ रही है, तब इसको आपको पावर में डाल देना है। फिर जब आपको नॉर्मल रोड में जाएंगे, आप चला रहे हैं, स्पीड में चल रहा है गाड़ी, तो इसको इको में डाल दीजिए। आपका डीजल कम पिएगा, यूरिया भी कम पिएगा, प्लस लाइट एडजस्ट के लिए ऊपर नीचे करने के लिए पर स्विच है। और ये है आपका हेडलाइट एंड पार्किंग, ठीक है। आपको यहाँ कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये दिया है इंजन जनरेशन, ये जब यहाँ मीटर आएगी रेंज गाड़ी, और इसमें देख सकते हैं आप एक लाइट कहीं बीच में दूसरी गाड़ी में, यहाँ साइड में सामने एक लाइट दिया जाता है, इसमें एक इधर दिया गया है, एक हेल्पर साइड इधर दिया गया है। और इसमें सिस्टम है, ये अपने पर्सनल इंस्टॉल किए हैं, कंपनी से सिस्टम कंप्लीट दिया जाता है, इसे पूरा कंप्लीट सिस्टम दिया है, USB ऑक्स लीड ब्लूटूथ वगैरह कंप्लीट एकदम दिया जाता है, ओके। और इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है, देखिए आप सीट जो है एकदम मस्त कॉस्टली और जोरदार है, एकदम लग्जरी, इसी के कलर से मैच करते हुए यहाँ का स्लीपर सीट देंगे आपको, प्लस दो पर्दे देंगे यहाँ से, ये पर्दे जो आपका यहाँ तक आके पूरा बीचों बीच ढक सकता है, मैंने ढक जाता है, और आप पीछे आराम से लेट के सो सकते हैं, ताकि अगले कहीं गाड़ी वाड़ी आ रहा है तो आपको लाइट आपकी आँखों में पड़ के डिस्टर्ब ना हो, है ना। अरे यहाँ भी सेम इसी टाइप का सीट दिया था, वो नॉर्मल था, मैनुअल ऑटो नहीं था, इस सीट की टाइप का। तो उसको हम यहाँ से हटा के यहाँ अपने बेड इंस्टॉल कर लिए, ताकि रात को सोने के लिए दिक्कत ना हो। दोस्तों कमेंट में बताइएगा आपको भारत में गाड़ी किस तरह से लगी या कैसी लगी। पूरा पावर विंडो है, आप देख सकते हैं पावर विंडो भी दिया है, जैसे मैं यहाँ से बटन क्लिक कर रहा हूँ ये, फिर यहाँ से बटन नीचे क्लिक करूँगा ये विंडो उतर रही है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, मैं हूँ बिंदास अभिजीत, और नई जानकारी के साथ आऊँगा इस बार और दूसरी गाड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।